Hi everyone and welcome back to my channel, and in this video I came up with a new topic which is related to international relations series, and we are going to study about the Copenhagen School of Thought and a major theory that was propounded by this school, which was regional security complex theory. So before we start, please subscribe to my channel and hit the like button. Regional security complex theory or the RSCT, iski bahut zyada importance hai. And even if you are the student of political science, and most importantly if you are the student of international relations, it is very much imminent for you people to study about this theory so as to understand and have a deep concept of the global emerging political dynamics and how this theory was propounded on the regional context. So we will begin with the topic. So if we start with the introduction, तो Copenhagen School of Thought या School of Security Studies, ये एक academic school है that basically employs a critical approach to the security studies. और अगर मैं आपको further इसको बताऊँ तो it is part of the post-positivist movement in the field of international relations that basically became a silent part of the post-Cold War era. तो अगर हम इसके मेजर प्रोपोनेंट्स के बारे में पढ़ें तो आईआर के जो थियोरिस्ट हैं बैरी बुजान, ओले वेवर और जैप दी विल्ट जो थे इन 1983, उनकी एक फेमस किताब है पीपल स्टेट्स एंड फियर द नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल रिलेशंस. तो बेसिकली इस स्कूल ऑफ थॉट का जो मेन कोर अगर आप समझें तो वो ये है कि वो कहते थे कि सिक्योरिटी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव कंडीशन, रादर इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट. क्या मतलब कि हम हमेशा जो है सिक्योरिटी को जो है मिलिट्री टर्म्स में लेकर जाते हैं ना, लेकिन जो इन्होंने रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का जो फिनोमेना प्रेजेंट किया था या थेरी प्रेजेंट की थी, वो कहते हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू द मिलिट्री एस्पेक्ट, बट देयर इज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, देयर इज़ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, देयर इज़ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड सो मतलब इस तरह, ठीक है. इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द टर्म मिलिट्री. तो हम कभी अगर नेचुरल डे टू डे रूटीन में अगर हम इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री जब कब कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये वो, तो हमारे माइंड में डायरेक्ट जो है साइज़ ऑफ द आर्मी या मटेरियल चीज़ें जो होती हैं, पोजेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन या इन चीज़ों की तरफ हमारा ख्याल जाता है. लेकिन ये इसमें नहीं है. ये सोशल, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ना, ये इस स्कूल के साथ एसोसिएटेड है जिसके अंदर दीज फिनोमेनाज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, और ये इन एक्टर्स पे डिपेंड करता है दैट हाउ दे इंटरप्रेट दीज फैक्टर्स. की कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कोपेनहेगन स्कूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी, वो ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ सिक्योरिटी एजेंडा, उन्होंने सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को डी कंस्ट्रक्ट किया था और उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, सिक्योरिटाइजेशन की थेरी प्रेजेंट की थी और कहा था कि सिक्योरिटाइजेशन थेरी जो है इट इज़ अ मल्टी सेक्टरल अप्रोच एंड नॉट अ ट्रेडिशनल वन. और फिर रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी थेरी प्रेजेंट की थी एंड दैट वाज द एम्फेसिस ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एज वेल. रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी जो है दैट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, एथनिसिटी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इन चीज़ों से रिलेटेड है. बट लेटर दिस थेरी वॉज ऑल्सो फेस्ड विद सिवियर क्रिटिसिज्म ड्यू टू इट्स कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ रीजन, क्योंकि फिर बिग पावर्स हैं, दे आर हैविंग सर्टेन इंटरेस्ट एंड परसूट्स in certain areas and regions. So how come this theory is only limited to the context of region? रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी को समझने के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मास्टर सिक्योरिटी डिलेमा. ये इस आइडिया के साथ या कॉन्टेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड है कि अगर स्टेट्स जो हैं अपनी सिक्योरिटी कंटिन्यूसली जो है और कॉन्स्टेंटली दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, तो इससे क्या होता है कि इवेंचुअली अगर एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर रहा है तो दैट वुड लीड टू अ डिक्रीजिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द अदर स्टेट, ठीक है. और ये हमेशा इसलिए होता है क्योंकि स्टेट्स आर इन कॉन्स्टेंट
they are in constant aim to achieve their pursuits, और वो इसलिए भी ये करते हैं कि they are unaware of the intentions of the other states. ठीक है, वो बिल्कुल उनको आइडिया नहीं होता कि दूसरा स्टेट क्या करे. सो इवेंचुअली what they do is they increase their security, जिससे दूसरे स्टेट की सिक्योरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और फिर this creates a phenomena which is a security dilemma concept. जो सेकेंड पॉइंट या प्रिंसिपल है वो है परसेप्शन, और थर्ड वाला है मिसपरसेप्शन. अब जो परसेप्शन है ये वो है कि मतलब हाउ स्टेट्स परसीव ईच अदर, या हाउ दे परसीव द एक्शंस एंड एक्ट्स ऑफ द अदर स्टेट्स. मतलब ये ठीक है, तो इट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर सिक्योरिटी. अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को नेगेटिवली परसीव कर रहा है, तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट ये होगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के थ्रेट्स होंगी और जो है कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे. तो दिस इज़ हाउ नेगेटिविटी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन. मिसपरसेप्शन भी जो है एक मेजर फिनोमेना है या प्रिंसिपल है इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं एक दो स्टेट्स के बीच में, या उनकी इंटेंशंस में या एक्शंस में, तो फिर जो है ना स्टेट्स क्या करेंगे, अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेंगे, और जो इन चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, दे विल बी इनसिक्योर रिगार्डिंग ईच अदर, और अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो डिफरेंट एलाइज में चले जाएंगे, दे विल फॉर्म एलाइज. फोर्थ पॉइंट जो है वो है मैलाइन इंटेंशंस, और ये वो टर्म या फिनोमेना है जिसके अंदर जो है जिसके अंदर सिक्योरिटी डिलेमा अराइज होता है, क्योंकि एक स्टेट को लगता है कि उसकी सॉवरेनिटी या इन चीज़ों को हार्म पहुंच रहा है, तो वो दैट्स मोर लाइकली दैट दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट द अदर स्टेट, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा और कंटेंशंस होंगी. अच्छा, फिफ्थ पॉइंट और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ एमिटी एंड एनमिटी. ये तो आप सबको पता होगा दैट ये जो है दीज टर्म्स आर एसोसिएटेड टू द फ्रेंडशिप एंड एनिमीज़ जो होते हैं. तो स्टेट के बीच में भी ये चीज़ें जो हैं प्रेजेंट होती हैं, और अगर स्टेट जो है दे आर एमेबल, दे आर लाइकली टू कोऑपरेट विद ईच अदर, और जो स्टेट्स अगर एनिमीज़ हैं तो दैट्स मोर प्रॉब दैट दे विल कम्पीट ईच अदर, और जो एक दूसरे को कम्पीट करेंगे फिर. ठीक है, तो दीज आर द फिनोमेनाज ऑफ एमिटी एंड एनमिटी. तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हमने अभी 5 प्रिंसिपल्स पढ़े, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और जो कि दे कैन शेप द सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स. क्योंकि अगर एक स्टेट जो है नेगेटिवली परसीव कर रहा है दूसरे स्टेट को, तो दिस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसपरसेप्शंस, तो जो है फिर दैट कैन हैव रिपरकशंस, बैड नेगेटिव रिपरकशंस दैट कैन हैव सिक्योरिटी डिलेमा इन द रीजन, जिसकी वजह से स्टेट्स जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शंस लेंगे, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, दैट्स वेरी मच ऑब्वियस, जिसकी वजह से एक दो स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं दैट विल बी डिटेरिएटेड. तो रीजनल कॉम्प्लेक्स जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की थ्योरी है, ये एक बहुत यूज़फुल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी. तो कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट ने जो है सिक्योरिटी को डीकंस्ट्रक्ट किया था, और उसने कहा था कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द मिलिट्री डोमेन ओनली, और फिर उन्होंने कुछ 5 जो हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी डिफाइन किए थे. तो वो है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, जो कि स्टेट के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या प्रोसेस जो होता है उससे रिलेट करता है. मिलिट्री सिक्योरिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मिलिट्री फोर्सेस या इंफ्रास्ट्रक्चर या साइज ऑफ द आर्मी या वेपन्स जो हैं आर्म्स रेस इन चीज़ों पे होता है. इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है स्टेट की इकोनॉमी से रिलेट करता है. सोसाइटल सिक्योरिटी इज़ रिलेटेड टू द स्टेट सोसाइटी एंड कल्चर. और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी जो है दिस रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इन्वायरमेंट. ठीक है, तो
तो कोपेनहेगन का जो वर्क था दैट हैड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़, और फिर इन्होंने सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत एक्सपैंड किया था। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रीजनल कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी थ्योरी जो है वो इट वाज डेवलप्ड बाय द कोपेनहेगन स्कूल, और इसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी जो है वो ज्योग्राफिकल शेप्ड रीजन्स पे जो है इट होती है, क्योंकि जो स्टेट्स जो हैं रीजनल प्रॉक्सिमिटी में होते हैं या उस लोकेलिटी में होते हैं तो जो है उस हिसाब से स्टेट्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में ऑन द बेसिस एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एमिटी एंड एनमिटी, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शंस एंड मिसपरसेप्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर सिक्योरिटी डायलेमा। तो रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है इसने कुछ ट्रिकी कंपोनेंट्स बताए थे जो कि है सिक्योरिटाइजेशन एक्टर्स। इसमें ये होता है कि वो एक्टर्स जो सिक्योरिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सिक्योरिटी रेफरेंस वो ऑब्जेक्ट्स जो इन चीज़ों से सिक्योरिटी थ्रेट्स से प्रोटेक्टेड रहते हैं, महफूज रहते हैं, और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जिसके अंदर जो है वो पॉलिसीज़ या मेजर्स या वो चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं टू एड्रेस द सिक्योरिटी थ्रेट्स। रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ फेनोमेनास को पढ़ने के लिए, जैसे कि कोल्ड वॉर का एरा था या वॉर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का एरा था, या चाइना के राइस को भी जो है रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी के थ्रू जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो बैकग्राउंड में कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये थ्योरी प्रेजेंट की गई थी, और वो था कि द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर विच क्रिएटेड अ न्यू सिक्योरिटी लैंडस्केप इन विच स्टेट्स वर नो लॉन्गर एंड ओनली एक्टर्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज, द राइज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो कि टेररिज्म और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थी, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद जो है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू की थी, और उसके अंदर इट वाज टू कम्बैट द ग्लोबल टेररिज्म, और फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इस तरह के नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वेपन्स और ये सब जो है अडॉप्ट किए जाएंगे, वो मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे टू ओवरकम द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और जो थर्ड पॉइंट था जिसकी वजह से ये थ्योरी डिवेलप की गई थी वो ये था कि द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स which made it more difficult to isolate security threats from individual state. वो इस सेंस में मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे कि मतलब अलाइंस बनती है, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे जैसे कि नाटो और वर्सा थी, तो मतलब अगर एक स्टेट पे जो है हमला होता था तो दैट वॉज कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ एग्रेशन टू ऑल द स्टेट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेट्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हो गए और इंटरडिपेंडेंस आ गई, अलाइंस फॉर्म हुई, और फिर इसकी वजह से एक स्टेट की जो के ऊपर अगर कोई थ्रेट है तो सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो दूसरा स्टेट के लिए भी एक थ्रेट ही है उसी अलाइंस के अंदर, स्ट्रेटेजिक अलाइंस के अंदर। तो इन्हीं बातों की वजह से, इन चीज़ों को समझने के लिए और इन बैकग्राउंड में जो फैक्टर्स थे इन चीज़ों को समझने के लिए रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है that was developed by Barry Buzan और जो दो और proponents थे उन्होंने। रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी के जो हैं फोर लेवल एनालिसिस हैं, तो कुछ फैक्टर्स जो कि स्टेट के रिलेशनशिप को एडहेयर करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस या शेयर्ड कम्यूनल एथनिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स leads to pattern of amity and enmity between states which ultimately describes the regional security complex. तो इसका जो local level analysis है वो ये है कि it explains the security policies of an individual state and its actors towards other states. It also defines the loopholes in the security and power structure at the local level. इस point को समझने के लिए अगर मैं आपको example जो है South Asia की दूँ तो दैट इज़ वेरी मच रेलिवेंट, क्योंकि साउथ एशिया का जो रीजन है ना, यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो डिवाइडेड है एथनिसिटी रिलीजन सेक्स में, और दैट हैज़ गिवन राइज टू इंक्रीज्ड इंटरनल वायलेंस टेररिज्म सिविल वॉर्स इनइक्वालिटी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज़, तो हैंस दिस एरिया इज़ इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या डिप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखें तो क्या हो रहा है, देर इज़ डिप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है,
और जब US withdrawal from Afghanistan हुआ था तो इट also depicted a larger picture of an unstable domestic politics of South Asia. और वैसे भी साउथ एशिया का जो पॉइंट है डोमेस्टिक या लोकल लेवल पे समझने के लिए वो इन टर्म्स ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज दे ऑलवेज एक्यूज ईच अदर ऑफ सपोर्टिंग सेपरेटिस्ट एंड मिलिटेंट्स टू क्रिएट द अनरेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करता है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ब्लेम करता है फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म. इंडिया के अंदर जो है, जो अगर कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म है, सो दैट हैज़ बीन करोडेड बाय द हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द नरेंद्र मोदी एंड वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम. इवन जो कहा जाता है कि लाइक वेयर डेमोक्रेसी ऑपरेट्स, क्योंकि एज मोस्ट कंसिस्टेंटली इन इंडिया तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है दैट इज़ इंक्रीजिंगली कैप्चर्ड बाय divisive political mobilizations along with ethnic, religious or caste lines. और religious का तो बहुत बड़ा, religion का तो बहुत बड़ा factor है. Point number टू को समझते हैं जो कि regional level है. It explains the dynamics of relations and patterns of amity and enmity between states of the same region. This leads to the formation of regional security complexes. अच्छा, India और Pakistan की example लेते हैं. जैसे कि Pakistan और India, they are in a constant state of low intensity and high intensity conflict in the form of interference in domestic politics, accusation, ek dusre ko accuse karte hain, exchange of cross border fires hoti hai, sponsorship of terrorism, agar ye ek dusre ko accuse karte hain. तो जो ये इश्यूज़ हैं लाइक, मतलब अगर इनको कम किया जाए लाइक टू ईज डाउन द जियो स्ट्रेटिजिक एंड जियो पोलिटिकल इशूज़, तो इकनॉमिक इंटर डिपेंडेंस जो है ना एंड ट्रेड, that can play a very vital role. लेकिन unfortunately South Asian states जो है ना, they have failed to develop a very significant and mentionable economic dependency. तो इस regional level में पाकिस्तान इंडिया के जो conflicts हैं, high level and low level conflicts, they are influctuating. ठीक है, इंट्रा रीजनल लेवल को समझते हैं. दिस एक्सप्लेन्स द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड हाउ दिस पैटर्न इन्फ्लुएंसेस द रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस. तो इस पॉइंट को कुछ इस तरह समझते हैं जैसे कि साउथ एशियन जो स्टेट्स हैं, हाउ दे कनेक्ट विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. क्योंकि Despite all the chaos between India and Pakistan, Pakistan and Afghanistan, India and Bangladesh, मतलब अगर ये जितना भी हो, so there's a, you know, there are certain regional organizations like SAARC, and also Pakistan and India are part of the ASEAN Regional Forum or Asia Europe meeting, and India is also part of the East Asia Summit. तो इंट्रा रीजनल लेवल में जो है ना ये चीज़ें आती हैं, दैट हाउ साउथ एशिया इज़ बीइंग कनेक्टेड टू दिस टू मिडल ईस्ट. ग्लोबल लेवल एनालिसिस जो है, इट एनालाइजेस द रोल एंड इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट पावर एंड सुपर पावर्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंसेस द रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस. तो ये इस तरह है जैसे कि चाइनाज़ राइज जो है, इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंशियल इन द साउथ एशिया. और चाइना का जो रोल है इन असिस्टिंग पाकिस्तान, चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और फिर US का जो इंटरेस्ट है इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, और जो कि वो इंडो पैसिफिक को जो है वो इंडो पैसिफिक नाटो बनाना चाहता है. तो अगर हम नटशेल में देखें तो इट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी डायनामिक्स दैट is concerned with geographical boundaries, or secondly it the transcendence of boundaries to pursue interests like beyond borders jo hai great powers they are looking for their strategic interest in the concerned areas. Is theory ka criticism padte hain, it is mostly said that it is too static because it assumes that regional security complexes are relatively stable and unchanging. However, the world is dynamic place and regional security dynamics can change rapidly. क्योंकि global dynamics जो है change होती रहती है, but this theory is confined to some of the factors like geography and so. फिर कहते हैं कि it is too state centric, like it only focuses on the role of the state and it does not take into consideration the other factors such as non-state actors या terrorist groups हैं या transactional criminal organizations हैं
लेकिन बस जो रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस को समझने के लिए द मेन फैक्टर इज़ कि उन्होंने स्टेट पे ज़्यादा एम्फसाइज किया है, सो दैट इज़ वाई द मेन क्रिटिसिज्म इज़ दैट इट इज़ टू स्टेट सेंट्रिक एंड अदर फैक्टर्स आर निगलेक्टेड. देन इट इज़ सेड दैट इट इज़ टू वेस्टर्न सेंट्रिक, लाइक रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स वॉज डिवेलप्ड by the Western scholars and it reflects a very Western perspective on security. However, the concept of security is not universal and it can be interpreted differently in different cultures. ये वाला जो पॉइंट है जैसे कि इट इज़ वेस्टर्न सेंट्रिक, तो रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी जो है वो कहती है कि मतलब जो स्टेट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं दैट इज़ मोस्ट प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द रीजन, एथनिसिटी, ये सब. तो यहाँ पे कहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इज़ नॉट यूनिवर्सल. ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं हो सकते. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस या कोई ऐसी सिचुएशन होती है इन सीरिया और लेबनान, सो इट हैज़ रिपल इफेक्ट्स थ्रू आउट द मिडल ईस्ट. ठीक है, so despite its criticism, immense criticism, it provides a framework for analyzing the complex dynamics of security in different regions. इसकी इम्पॉर्टेंस को साइड पे रखते हुए जो फर्दर क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है वो ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ अ रीजन सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस, लाइक स्टेट्स के बीच में जो है ये चीज़ें इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना मुश्किल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट्स इन रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस के इंटरेक्शन ऑन द बेसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एनमिटी एंड एमिटी और द परसेप्शंस एंड मिसपरसेप्शंस. रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस कैन चेंज ओवर टाइम, लेकिन ओवरऑल इट इज़ स्टिल अ वेरी यूजफुल टूल. ठीक है, अफगानिस्तान एज अ केस स्टडी अंडर रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी. तो अगर अफगानिस्तान जो है इट इज़ लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ सेवरल रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस सच एज सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट. अफगानिस्तान को जो है ना कहा जाता है इट इज़ द सिक मैन ऑफ एशिया, लाइक मतलब अगर कोई केओस अफगानिस्तान में उठ रहा है तो इट कैन हैव सर्टन रिपल इफेक्ट्स इन द मिडल ईस्ट, साउथ एंड मोस्ट पर्टिकुलरली इन द साउथ एशिया. तो इन जगहों में जो है ना फिर मसले शुरू हो जाते हैं. बिकॉज दिस यूनिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन मींस दैट अफगानिस्तान सिक्योरिटी इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दीज रीजन्स. ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी का मसला अराइज हो रहा है अफगानिस्तान में तो मसले जो है बाकी स्टेट कनेक्टेड रीजन्स में भी होंगे. जैसे आप देख लें राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान है तो इट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड ईरान. इसी तरह जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं अफगानिस्तान में तो इट हैज़ इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल एशिया, जो इन चीज़ों के दैट आर रिलेटेड टू द कंसर्न्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म एंड इंस्टेबिलिटी. अफगानिस्तान ऑल्सो एक्ट्स एज अ बफर स्टेट एंड एन इंसुलेटर और जो है मीडिएटर भी, क्योंकि अफगानिस्तान प्लेड अ रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड एक्टर्स इन डिफरेंट रीजन्स. इसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन की भी एक वजह है एंड इट एंड फर्दर पॉइंट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, रिलीजन आल्सो मेक इट अ वैल्यूएबल केस स्टडी फॉर रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी. और पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है इट इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बोथ सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया. तो कुछ रीजन के जिसमें अफगानिस्तान को कंसिडर किया जाता है एज अ केस स्टडी फॉर रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स वो ये है कि अफगानिस्तान इज़ लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स और इट एक्ट्स एज अ की प्लेयर. फिर अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री है इट्स अ बीइंग अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड आल्सो द रिलीजन, मुस्लिम जो का जो रिलीजन है इस्लाम, एंड इट मेक्स अ वैल्यूएबल इंसुलेटर बिटवीन डिफरेंट रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस. फिर अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इन द वाइड रेंज ऑफ रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज जो कि वॉर ऑन टेरर, राइज ऑफ तालिबान और जो कुछ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन द कंट्री में, तो दैट दीज आर द रीज़न दैट मेक इट अ वैल्यूएबल केस स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी.
कुछ रीजन जिसकी वजह से अफगानिस्तान को पढ़ा जाता है इस थेरी के अंडर, इट इज़ बिकॉज दैट दिस कंट्री हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इनस्टेबिलिटी, और इट इज़ अ मेजर ट्रांजिट रूट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, और इट इज़ अ पोटेंशियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी फॉर नेबरिंग स्टेट एज वेल. So these are the factors that make Afghanistan a challenging case study, but it is also one of the essential for understanding the dynamics of regional security in the South Asia and Central Asia. तो अंडरस्टैंडिंग द रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स इन द साउथ एशिया जो है, फिर इट इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन द नोशन दैट सिक्योरिटी डायनामिक्स एंड रीजनल मॉडल्स. बेरी बुजान और ओली वेवर ने कहा था कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं दैट ट्रैवल मोस्ट ईजीली फ्राम शॉर्ट डिस्टेंसेज, सो दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल फैक्टर्स. तो वो कहते हैं कि जो रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस की जो थेरी है या नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो है, वो दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन द मटेरियल थिंग्स, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ एंड एक्शंस ऑफ द स्टेट. जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है दैट इज़ एसोसिएटेड विद दिस स्कूल ऑफ थॉट. तो जो पावर होती है ये वो जो है ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफाइन नहीं करती, और भी फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, रिलीजन है, कल्चर है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मिसपरसेप्शन, परसेप्शन, ये सब चीज़ें हैं. सम करंट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी सिचुएशंस को पढ़ते हैं इन द एशिया पैसिफिक रीजन. तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन चाइना एंड द ओपोनेंट स्ट्रेटेजिक एलाइज जो है, क्वाड है, सीन है, ऑकस है, इन द साउथ चाइना सी, क्योंकि चाइना इज़ बिल्डिंग द आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है. तो इवेंचुअली जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं एंड मोस्ट पर्टिकुलरली द यूएस इज़ एक्टिव मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन, और जो उसके एलाइज हैं जितने भी वो उनको फोर्स कर रहा है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर एंड टू कॉम्बैट एंड कंटेन चाइनाज राइज. तो जो क्वाड अलाइंस बनाया था दैट वाज इट एम वांट्स टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन एंड टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन. तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो द रीजन सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी सजेस्ट दैट द सिक्योरिटी इंटरडिपेंडेंस अमंग द एक्टर्स इन एशिया पैसिफिक region that has created some sort of self-help system where the states attempt to maximize their security interests through balancing and bandwagoning strategies. So this in turn could lead to a potential arm race and regional instability which could have an impact on global security. और जो इंडियन ओशन का रीजन है, को स्टेट्स जो हैं अपने इंटरेस्ट के लिए इधर कंपीट कर रहे हैं, यूएस की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस एरिया में, चाइना के अपने हैं, चाइना इज़ बिल्डिंग द मेगा बीआरआई मेगा प्रोजेक्ट जो है, उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है. सो टू काउंटर ऑल दिस इंडिया इज़ वर्किंग ऑन इट्स नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, और जो यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है दैट इज़ टू क्रिएट द इंडो पैसिफिक दैट इज़ इक्विवेलेंट टू नाटो, ठीक है, वो कहता है, और अपने अलाइज को जो है फोर्स कर रहा है टू बी एक्टिव एंड शुड बी प्रेजेंट एक्टिवली इन दिस रीजन. अभी हम वापस आते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कोपेनहेगन स्कूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी. तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट था दैट वाज ब्रॉडनिंग ऑफ सिक्योरिटी एजेंडा. तो जो कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट है दैट ब्रेक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल रियलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ऑन सिक्योरिटी विच फोकस प्राइमरली ऑन द मिलिट्री थ्रेट्स, जो कि इस पूरे टॉपिक में मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ट्रेडिशनल रियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं. Instead, it broadens the security agenda, और इसके अंदर non-traditional security issues को include किया गया, such as environmental degradation, economic instability, migration, refugees का problem, societal issues,
दिस प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंडिंग अंडरस्टैंडिंग इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. तो सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को डीकंस्ट्रक्ट किया गया कुछ इस तरह से. Then the second is securitization theory. This is one of the most significant contributions of the Copenhagen in the context of securitization, because it is a process through which an issue is transformed into security threat by political actors through speech, other form of communication. तो जो एक्टर्स होते हैं दे फ्रेम द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स वारंटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स टू एड्रेस देम. इनको कैसे एड्रेस किया जाता है. इट ऑल्सो हाईलाइट्स पोलिटिकल डिस्कोर्सेस पावर डायनामिक्स इन शेपिंग द सिक्योरिटी एजेंडाज. नंबर थर्ड पॉइंट था हमारे पास मल्टी सेक्टरल अप्रोच. तो कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट की जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी इट पोजेस दैट सिक्योरिटी थ्रेट्स इमर्ज फ्राम वेरियस सेक्टर्स जो कि मिलिट्री पोलिटिकल इकनॉमिक सिक्योर सोसाइटल इन्वायरमेंटल डोमेन्स थे. और दिस अप्रोच इट प्रोवाइड्स द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस. क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में थ्रेट नहीं है, इकनॉमिक थ्रेट भी है हमारे पास, सोसाइटल थ्रेट भी है, इन्वायरमेंटल थ्रेट भी है. So this basically this school of thought connected these ideas and it provided an interdependent and interconnected approach to the study of security. फिर रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी थी. ये तो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि स्टेट्स आर ऑफन कंसर्न्ड विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल थ्रेट्स. क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी थेरी कॉम्प्लेक्स थेरी जो है इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड द नीड फॉर यू नो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एनालिसिस व्हेन एग्जामिनिंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स या इशूज. फिर है एम्फेसिस ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी. तो ऑल दो इट वॉज नॉट अ सेंट्रल फोकस ऑफ द कोपेनहेगन स्कूल बट क्योंकि उसने इस सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को डीकंस्ट्रक्ट किया और ब्रॉडन किया तो इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी डिस्कोर्सेज विच सीक्स टू प्रायोरिटाइज द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ द इंडिविजुअल और ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी इशूज. तो कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट जो है इट प्रोवाइड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड. सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर सीरीज. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डिड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. स्टे ट्यून्ड अंटिल आई अपलोड मोर वीडियोज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस. टेक केयर.